पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। इस स्टेडियम की ग्राफिक्स वाली तस्वीरें और वीडियो भी काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें 3000 दर्शकों के बैठने की सुविधा बनाई जाएगी। पीएम मोदी के आधारशिला रखने के साथ ही पूर्वांचल के पहले क्रिकेट स्टेडियम का सपना सजने लगा है। आइए बताते हैं आपको इस स्टेडियम के बारे में सबसे खास बातें। तो यहाँ पर सबसे स्पेशल चीज होगी इसकी वास्तुकला, जो भगवान शिव से प्रेरित है। इसमें भगवान शिव के डमरू और त्रिशूल की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही स्टेडियम में अर्धचंद्राकार छत कवर और त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट्स होंगी। इसके अलावा स्टेडियम का प्रवेश द्वार बेलपत्र जैसा डिजाइन किया गया है। 2025 तक इस स्टेडियम के बनने की संभावना जताई जा रही है। वाराणसी के राजा तालाब के गंजारी में 30.6 एकड़ में बनने जा रहे इस स्टेडियम में इंटरनेशनल लेवल की सभी फैसिलिटीज मौजूद होंगी। काशी पहुंचे पीएम मोदी ने मंच से इस स्टेडियम के बारे में बताया, जिसे सुनकर काशीवासी ही नहीं पूरा यूपी गदगद हो गया। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है, और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है। बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। मैं बीसीसीआई के पदाधिकारियों का काशी का एमपी होने के नाते, यहां का सांसद होने के नाते मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, जब खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इतना बड़ा स्टेडियम बनता है, तो सिर्फ खेल ही नहीं, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका सकारात्मक असर होता है। जब स्पोर्ट्स के ऐसे बड़े सेंटर बनेंगे तो उसमें बड़े स्पोर्ट्स आयोजन होंगे। जब बड़े आयोजन होंगे तो बड़ी तादाद में दर्शक और खिलाड़ी आएंगे। इससे होटल वालों को फायदा होता है, छोटी बड़ी खाने पीने की दुकान को फायदा होता है, रिक्शा ऑटो रिक्शा टैक्सी इनको भी फायदा होता है, हमारे नाव चलाने वालों को तो दो दो हाथ में लड्डू हो जाता है। पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर यहाँ के लोग काफी उत्साहित दिखे, खासकर खेल प्रेमी। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में जिस क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है, वो कानपुर और लखनऊ के बाद यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसमें सभी बड़े क्रिकेट मैचेस खेले जाएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।